वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ऐप ढूंढ रहे हो देन बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन जिनकी मदद से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही में उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल भी देखने को मिलेंगे। सो कौन से एक्स्ट्रा टूल है, क्या उनके यूज है एंड कैसे यूज करना, सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एक्स रिकॉर्डर। इसका ओपन कर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अलाउ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि यार डिस्प्ले कोई रिकॉर्ड कर रहे तो डिस्प्ले के लिए सेटिंग होता है, अलाउ करना पड़ता है हमें। सो इस एप्लीकेशन को मैं अलाउ कर रहा हूँ। साथ ही में जो हम और 4 एप्लीकेशन यूज करने वाले ना उन सभी को भी मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। इससे होगा ये कि मुझे बार बार ये सेटिंग फिर से नहीं करना पड़ेगा हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सभी के लिए इसे अलाउ करता हूँ। देन देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपली से अलाउ करना है और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको सिंपली से आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपको अगर ऑडियो को कुछ रिकॉर्ड सब करना है, जैसे कि ऑडियो में आपको कैसा चाहिए, अगर इंटरनल साउंड चाहिए तो आप वहाँ वो भी सेट कर सकते हो। अगर आपको इंटरनल साथ ही में एक्सटर्नल, ठीक है, मीन्स माइक का भी ऑडियो चाहिए और मोबाइल का भी, दोनों सेट कर सकते हो। नॉइज रिडक्शन के लिए भी हमें यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है, तो हम नॉइज को भी रिड्यूज कर सकते हो। वीडियो की अगर बात करो तो वीडियो में यहाँ पे हम 4K नहीं कर पाते बट फुल HD हम यहाँ पे एडिट या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं बट जो इंपॉर्टेंट हम वो देखते हैं, जो कि है ब्रश एंड स्क्रीनशॉट, ठीक है। ब्रश एंड स्क्रीनशॉट आप इनेबल करो, कुछ ऐसा यहाँ पे आइकन देखने को मिलेगा। अब बात रही कि इसे यूज कैसे करें, तो इसके ऊपर टैप करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऑन हो चुका है। देन उसके बाद जो हमें यहाँ देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा स्मूथली ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ब्रश के ऊपर क्लिक करते हो देन नॉर्मल ब्रश मिलता है, देन एरो का ब्रश मिलता है एंड सर्कल ही सब सारा मिलता है। कलर भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ठीक है। मीन्स इस तरीके से करके आप किसी को भी आराम से समझा सकते हो कि हाँ ये करना है, वो करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हो काफ़ी परफेक्टली हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुका है। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है वीडमा रिकॉर्डर। कुछ ऐसा इसका आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, अलाउ करने के लिए बोलेगा तो अलाउ हम कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ये सब करने के लिए बोलते हैं। देन उसके बाद इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे 3 सेकेंड तक वेट करना होता है, देन उसके बाद ये स्टार्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे टूल देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रश इसमें भी मिल जा रहा है हमें। फेस कैम अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस फेस कैम दोनों हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे हटा दे रहा हूं एंड यहां देख सकते हो ब्रश, जो कि बिल्कुल इसमें भी आपको सिमिलर मिलते हैं। मींस इसमें भी आप एरो ये सब कर सकते हो, कलर ये सब कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल ही परफेक्टली हम यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पा रहे और कोई लैग ये सब नहीं हो रहा, परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर यार ऑडियो की बात की जाए तो ऑडियो भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सा ऑडियो आपको चाहिए या फिर कौन सा ऑडियो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा, देन ऑडियो पे आना होगा एंड यहां देख सकते हो काफी सारे ऑडियो का सेटिंग मिल रहा है। तो जो ऑडियो आपको रिक्वायर्ड हो, जैसे कि आपको इंटरनल ऑडियो चाहिए, एक्सटर्नल जो भी चाहिए, वो आप सेट कर लेना। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल मिलते हैं बट उतना कॉम्प्लिकेटेड पे हम नहीं जाते। अगर हमें ऑफ करना है तो इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे, देन हमारा देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे प्ले करके आप यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट हुआ है। सो थर्ड एप्लीकेशन है मोविजन। इसे ओपन करो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मीन्स यार ये एप्लीकेशन जैसा ओपन नहीं होता, आपके स्क्रीन पे ही ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ये कुछ डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग होता है तो उतना आप वेट कर लेना, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ देख सकते हो मीन्स इस तरीके से ये देखेगा। देन नो फ्री ट्रायल के ऊपर आपको टैप करना, अगर खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो बट हम वही करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल का एक मिल रहा होगा, उसके ऊपर टैप करना। देन कुछ अलाउ करने के लिए बोलेगा, सारा एक्सेस आपसे मांगेगा, माइक्रोफोन ये सब का एक्सेस मांगे तो आपको दे देना है, ठीक है। देन उसके बाद इसके ऊपर हम टैप करेंगे, देन सेकंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके आप सारे सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपको माइक्रोफोन का यूज करना है या फिर यहाँ पे देख सकते हो जो रेजुलेशन ये सब है, मीन्स 4K में रखना चाहते हो, कितना क्वालिटी रखना चाहते हो, ये सब सारे सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
बट हाँ ये एप्लीकेशन यार थोड़ा पेड है, ठीक है मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसमें अगर आपके पास पैसा है देन आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको ब्रश को यूज़ करके दिखाऊं, तो यार ब्रश को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करेंगे देन ही यूज़ कर सकते, अदरवाइज ब्रश को नहीं यूज़ कर सकते। बट एक बात है कि काफ़ी परफेक्टली ये रिकॉर्ड करता है, डेट्स वाइज से भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसे हम यहाँ पे डन करते देन उसके बाद देख पाओगे कि 3 सेकेंड ये वेट करने वाला यार मीन्स मैक्सिमम में रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब अगर बात रही कि यार देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कैसे करना है या फिर स्टॉप कैसे करना है, तो उसके ऊपर टैप करके ऑफ स्टॉप सब कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहाँ देख सकते हो ये जो है परफेक्टली हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता है। तो इसे अगर प्ले करना है तो यहाँ से आप सिंपली से प्ले कर सकते हो। ओके तो देख सकते हो काफ़ी परफेक्टली हो चुका। नाउ इस एप्लीकेशन को भी हम एंड करते हैं। तो फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर, और ओपनिंग कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे आप कोई भी अकाउंट से लॉगिन कर लेना। एंड हाँ, जितना भी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो बहुत ही ईजी होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आने वाला है, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। बट उससे पहले यार यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा, उसे सेटिंग के हेल्प से ही हम यहाँ पे सारा चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर आना है एंड यहाँ पे ऑडियो की अगर बात की जाए तो ऑडियो आप जैसा रखना चाहते हो वैसा आप रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप एक्सेस पे आना है एंड इसे इनेबल करना ही करना होगा, ठीक है। इसे अगर आप इनेबल कर देते हो देन आप ब्रश को यूज़ कर पाओगे एंड यहाँ पे आप फेस कैम कर पाओगे, स्क्रीन शॉट ले पाओगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान ही, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे आप मिस मत करो। एंड हाँ, यहाँ से आके इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे फटाक से इनेबल करता हूँ देन यहाँ पे बैक जाते हैं। सो इनेबल करके बैक मैंने कर लिया। नाउ यहाँ देखिए तो ये सर्कल वाला आपको एक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसी का मदद से हम यहाँ पे सारा चीज़ कर पाते हैं। ओके सो इसी को इनेबल करने के लिए हमें वो सेटिंग करना पड़ा था। देन उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले तो होम के ऊपर टैप करो देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना, ऐस कर देना मीन्स अलाउ कर देना। देन उसके बाद वही यार 3 सेकेंड हमें रुकना पड़ेगा, तो 3 सेकेंड हम यहाँ पर रुकेंगे देन उसके बाद सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ आपको पेंसिल मिल जाता है, इसमें भले आपको नॉर्मल पेंसिल मिलता है बट काम चला तो है ना, ठीक है। मीन्स आपको नॉर्मल पेंसिल यहाँ पे मिल जाएगा, फेस कैम आपको डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो मेरा फेस नहीं मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे मैं हटाता हूँ वहाँ से क्योंकि यार मैं अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो पेंसिल यहाँ पे आपको देखने को और भी मिल जाता है, जैसे यूज करना आप पेंसिल को यूज कर सकते हो, ठीक है। समझाने के लिए यार पेंसिल को यूज किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर इसे हमें ऑफ करना है तो ऑफ भी हम कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना वो सब भी हम कर सकते हैं। तो ऑफ करने के बाद देख सकते हो परफेक्टली हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये 4 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जो सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो होता है यार आपके खुद का डिवाइस का, ठीक है। डिवाइस में जो स्क्रीन रिकॉर्डर आपको देखने को मिलता है उससे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई लैग नहीं मिलेगा, कोई आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा एंड आप इजीली इसे कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगा आपको, सेटिंग में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करो, देखो ऊपर से नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है देन आप इसे स्क्रॉल करो, आप यहाँ पे ऐप सर्च में जाओ एंड यहाँ पे सर्च कर लो, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब इसे यार इतना ईजी है यूज करना, मैं क्या ही बताऊँ। देख सकते हो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे क्या करो इनेबल कर रहा हूँ एंड लो स्टार्ट हो गया। हाँ भले इसमें हमें सारे टूल नहीं मिल पाते, जैसे कि यहाँ पे हमें ब्रश नहीं मिला, लेकिन इसमें यार जो रिकॉर्डिंग होगा ना उसका ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इससे अच्छा क्वालिटी कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो बंदे अपने ही मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी इसे ही को यूज़ करता हूँ। सो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपके डिवाइस में जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी को ज़्यादातर प्रीफर करो एंड उसी को यूज़ करो। अब देखो यार हम 5 एप्लीकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।